हेलो दोस्तों, आज मैं आपको व्रत के लिए नाश्ता बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने साबूदाना लिया है और ये साबूदाने को मैंने भिगो लिया है। ये एक कटोरी साबूदाना है और इसमें हमने दो कटोरी पानी डाला है और ये भिगा लिया है। इसको हम दबा कर देख लेंगे, ये अच्छी तरह से क्रश हो रहा है। ये देखिए, आराम से ये दब जा रहा है। तो इस तरह से हमें भिगो लेना है। और अब हम इसमें आलू लेंगे। ये उबले हुए हमने आलू लिए हैं, 5 आलू लिया है, मीडियम साइज के हैं। और अब इसको हम कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से सभी आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसको एक किनारे रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने रोस्टेड मूंगफली लिया है। तो आप चाहे तो मूंगफली को भून लें और उसके छिलके निकाल लें। और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये मूंगफली डालकर दरदरा पीस, मूंगफली को हमने दरदरा पीस लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे एक कटोरी धनिया, कटा हुआ धनिया है, हरा धनिया। और यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च लिया है, इसको महीन महीन काट लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक टुकड़ा अदरक, इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप चाहें तो इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सेंधा नमक, यहाँ पे मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो यहाँ सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो सादा नमक डालकर भी आप इसे बना सकते हैं। और इसको अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स कर लिया है और हाथों में अब थोड़ा सा पानी लगा कर और इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा लेकर और टिक्की का शेप देकर और टिक्की जैसा बना लेंगे। इस तरह से हाथों में चिपकेगा भी नहीं और आसानी से बन भी जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमें टिक्की बनाकर और रखते जाना है एक प्लेट में। तो अब हमने ये टिक्की बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें टिक्की डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर हम दूसरी तरफ भी पलट कर सेक लेंगे। तो ये अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तरफ से भी अच्छा सीख गया है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्की सेक लेंगे और ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये हमारा व्रत का नाश्ता बनकर तैयार है, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप व्रत का नाश्ता बना सकते हैं और ऐसे भी आप घर में नाश्ता जब बनाना हो तो आप इस तरह का पौष्टिक नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। धन्यवाद।